मेरे ख्याल से तो आप लोग अच्छे ही होंगे, होने भी चाहिए। नहीं भी होंगे तो भी अच्छे हो जाओ यार, अच्छे होने में क्या है, कुछ नहीं है। तो आज हम लोग जो है बनाएंगे पहाड़ी चटनी। मेरे को कभी कभी लगता है मेरा ब्लॉग चैनल फूड चैनल बन गया है, इसमें सबसे ज़्यादा रेसिपीज ही होती हैं। तो उससे पहले जो है हम लोग अपना सामान लेके आते हैं, जो मैं आधे रास्ते में छोड़ के आई हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए और मेरी गाय भी भाग गई आगे आगे, वो भी मुझे धोखा दे के आगे आगे भाग गई। तो उसके पीछे पीछे मुझे भी आना पड़ा और मेरा सामान वहाँ छूट गया। तो हम वहाँ से पहले सामान लेके आते हैं, फिर हम सामग्री इकट्ठा करेंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं। है मेरी आज तक की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बकरी, ये आगे जाके इतिहास रचेगी, ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ेगी। नहीं मैं नहीं चढ़ूंगी, मैं तो सिर्फ घास खाने के लिए ऊपर आई हूँ। बदतमीज जान, देखो मेरी बेइज्जती करती है। और इधर है मेरे घर की मोटी लालू। अरे मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ज़्यादा मत दिखाया करो, मुझे नज़र लग जाती है मुझे। ठीक है ठीक है। तो ये है मेरी भगोड़ी गाय जिसके पीछे पीछे मुझे आना पड़ा, और अभी भी देखो कैसे भागते हुए जा रही है। अरे ज़्यादा मत दिखा मुझे, मैं नहीं हूँ भगोड़ी, मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं बहुत अच्छी भी हूँ, ज़्यादा मत बोल नहीं तो तुझे यहीं पर फोड़ दूंगी, तोड़ दूंगी। बड़ी आई तू। अभी हमें हाई कोर्ट से फरमान मिला है कि हाई कोर्ट और कोई नहीं मेरी माँ है, जिन्होंने हमें ये कहा है कि हम आपका सामान ले आए हैं। तो अब हमें सामान लेने के लिए बहुत दूर जाना की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम फटाफट अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं और चटनी बनाते हैं, क्यों मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहुंच गए अपना पहला इंग्रेडिएंट पुदीना लेने के लिए। जो लेने मुझे नदी के पास आना पड़ रहा है क्योंकि हमने नदी के पास लगाया है, पानी के पास पुदीना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सांप तो नहीं है नीचे। तो अब हम फटाफट पुदीना चुनते हैं, जल्दी मिलते हैं। तो यहाँ पे नदी बह रही है और यहाँ पे अच्छे 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 पुदीने भी लगे हुए हैं, फटाफट चुन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहाड़ी चटनी बनाने के लिए प्याज लेंगे, छोटे छोटे लिए हैं मैंने, इसलिए मैंने 3 लिए हैं, आप अपने अनुसार ले लेना। और हम इन्हें सिर्फ ज़्यादा नहीं 4 हिस्सों में काटेंगे, हर एक प्याज को हम सिर्फ 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे बेचारे को। ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने मिक्स में तो डालना है, हमने कौन सा इसको पत्थर में पीसना है, पत्थर में पीसना होता तो इसको बारीक काटने के डालने का मतलब बनता था। हम इसको ऐसे ही मिक्सी में डालेंगे, तो ज़्यादा नहीं 3 से 4 पीस करेंगे इनके बेचारों के, और फिर उसको मिक्स के जार में डाल देंगे। और ये है मिर्ची जो मैंने अभी भी लाई, हरी मिर्ची है ये, ज़्यादा तेज़ नहीं है। अभी आजकल के जो महीने में जो मिर्ची होती है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए हम इसको जितनी मर्जी उतनी डाल सकते हैं। और वैसे मैं भी तीखा खाती हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए तो नॉर्मल है। तो उस पहले हम धो लेते हैं जल्दी से। हमने प्याज ये डाल दी, मिर्ची, और अब हम इसमें डालेंगे पुदीना जो कि मैंने धो के रख दिया है, इसको हम डाल देंगे अब इसमें। तो अब डालेंगे हम पहाड़ी चटनी की शान आन बान जो भी बोल सकते हैं, ये है छोटे छोटे अनार, खट्टे खट्टे अनार जो कि पहाड़ों में होते हैं यूजुअली। मैंने उसको इस डब्बे में स्टोर करके रखा है, पिछले साल मैंने इकट्ठे किए थे इसलिए। ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए, डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये लो पीस के रेडी होगी हमारी पहाड़ी चटनी। आज इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, बेचारे अजीब सी लगती है पर चलेगा।